सुली रांगली ते खून दिया तारिया, सुली रांगली ते खून दिया तारिया। गुनागारो आजा यीशु बाजा मारिया, गुनागारो आजा यीशु बाजा मारिया। सुली रांगली ते खून दिया तारिया, सुली रांगली ते खून दिया तारिया। गुनागारो आजा यीशु बाजा मारिया, गुनागारो आजा यीशु बाजा मारिया। तो आइए हम खुदा के कलाम में से उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि जब हम यीशु को जानने की कोशिश करते हैं तो पर्सनली तो हर एक कहेगा, और हम सब इस बात को खुल के कहते हैं कि जी मैं यीशु को जानता हूँ क्योंकि मैं पैदाइशी मसीही हूँ। कोई ये कहेगा कि मैं यीशु को जानता हूँ क्योंकि मैंने उसे कबूल करके अपना निजात दहिंदा माना है और मैं उसके पीछे चला हूँ। कोई ये कहेगा कि मैंने बाइबल पढ़ी है और मैंने बाइबल में से उसे जाना है और मैं इसलिए उसको जानता हूँ। लेकिन अजीज़ों, जब बातचीत की जाती है, जबकि आपके साथ खुदा के कलाम की बात करता है या यीशु के बारे में जानना चाहता है, तो फिर उस वक्त हमें एक तो हवाला जात भी याद नहीं आते और हमें ये भी याद नहीं आता कि कहाँ से हमने ये बात उन्हें पूछने वालों को सिखानी है। तो आज इन असबाक में से जो पहला सबक जो हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि वो है यीशु की अजली हैसियत, यानी कायनात के शुरू होने से पहले से यीशु की हैसियत क्या थी, और उसी से हम फिर यीशु की अलहियत को जानते हैं, उसी से हम यीशु के इलाही होने को जानते हैं, उसी से हम खुदा के जिसे हम ट्रायून गॉड कहते हैं या तसलीस का खुदा कहते हैं, यीशु की उस तसलीस के खुदा होने के सबब से वो जगह जानने की कोशिश करेंगे। तो जीसो, जब हम यीशु की अजलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आनी चाहिए वो मीका नबी का सहीफा है, जिसमें 2:5 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जिसे बाद में नए अहदनामा में भी इस्तेमाल किया गया। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, अपनी अपनी बाइबल खोल लें, मीका नबी का सहीफा और उसका 5 और उसका 2 और उसकी 5। जी हाँ, मेरे साथ पढ़ें। वहाँ लिखा है, ए बैतलहम अफराता, अफराता जो जगह का नाम है, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल है होने के लिए छोटा शहर है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मसदर, ये सीखने की बात है, गौर कीजिएगा, उसका मसदर जमाने साबिक हा कदीमुल अयाम से है। अजीजो, पेशन गोई है ये, लेकिन ये पेशन गोई आपको और मुझे क्या बता रही है कि यीशु जो है वो साबिक से है, यानी कदीमुल अयाम से वो मौजूद है, लेकिन दुनिया में वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। तो ये पहली आयत है जो हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि यीशु अजली है, यानी वो अजल से है। और फिर इसी बात को जब मजूसी यीशु की पैदाइश के बाद उसे सिजदा करने के लिए आए, तो हेरोदीस के पास आकर कहने लगे कि यहूदियों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है, तो वो घबरा गए सब लोग कि भाई हेरोदीस के तो कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ये बादशाह कहाँ से पैदा हो गया।
तो फिर हेरोदिस ने सरदार काहिनों को, फकीयों को बुलाया और उनको कहा कि जरा तहकीक करो और देखो कि इस बादशाह का होना कहाँ मौजूद है। तो उन्होंने जो हवाला उनके सामने पड़ा वो यही मीका नबी के 2:5 आयत थी, जिसे मत्ती रसूल की इंजील में 3-6 आयत में हम देख सकते हैं। जी हाँ जीजो, मत्ती रसूल की इंजील में 3-6 में इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से बयान करके और उन्हें बताया हेरोदीस को, जिसके बाद फिर हेरोदीस ने उसे जो है भेजा उनको कि भी जाओ और उसको सजदा करो और मुझे आकर बताओ ताकि मैं भी जाकर उसको सजदा करूं। हालांकि उसका प्लान सजदा करने का नहीं था, लेकिन उसने उन्हें कहा कि जाओ और उसे सजदा करो। तो ये मत्ती रसूल की इंजील में इसका जिक्र है। तो अजीजो, ये इस बात की गवाही है कि ज़माने कदीम से, कदीम अयाम से यीशु ऑलरेडी मौजूद था, जिसके बारे में खुदा के रूह ने मीका से कहा और उसने अपने सहीफे में उसे लिखा। इसी तरह से अजीजो, हम जब नए अहदनामे में आए तो नए अहदनामा में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि यीशु अजल से है। सबसे पहला, हम सब के लिए आसान तरीन जो यादगार चीज़ है, जिसे हम कभी भूलते नहीं और अक्सर इसका जिक्र होता रहता है, वो है यूहन्ना रसूल की इंजील के 1:3 आयतें। जी हाँ, और वहाँ क्या लिखा है आपको याद है? चलो, बड़ी अच्छी बात है अगर आपको याद है। तो वहाँ लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और तीसरी आयत बड़ी खूबसूरत और उसको ज़्यादा खुलकर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। तीसरी आयत जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, उसमें खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, यानी कुछ भी नहीं था मगर यीशु था, कुछ भी नहीं बना था मगर यीशु था, वो अजली है। तो यीशु यहाँ पर, ये खुदा का कलाम जो है यूहन्ना रसूल की इंजील के 1:3 आयत कहते हैं, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अब अजीजो, जब सब चीज़ें ही उसके वसीले से पैदा हुई हैं तो इसका मतलब कि वो सब चीज़ों से पहले था। ये तो यूहन्ना रसूल ने यीशु के बारे में उसे बयान करने की कोशिश की, उसकी अजलियत, उसकी अलहुयत को बयान करने की कोशिश की है। और आगे चल के खुदावंद के कलाम में वो 14वीं आयत में, इसी बाब की 14वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, वहाँ लिखते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। जी हाँ, वही कलाम जो इब्तिदा में था, जो खुदा के साथ था, जो खुदा था, वो मुजस्सम हुआ। जी हाँ, ये है यीशु की अलहियत के बारे में, ये है यीशु की अजलियत के बारे में जो हम सीखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील के शुरू में। और हम सब इसे अच्छी तरह जानते हैं। जब यीशु के बारे में कोई हमें ये सवाल करे कि आप कैसे उसे समझते हैं कि वो अजल से था, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा हवाला है जो हम उन्हें बयान कर सकते हैं। और साथ में 14 आयत ज़रूर बताई जाए ताकि पता चले कि वही जो था वही मुजस्सम हुआ था। ठीक है, तो अजीजों, हम जब इस बात को देखते हैं तो हमें तकवीयत मिलती है, क्योंकि हम सिर्फ सारा वक्त तसलीस को साबित करने के
फिक्र में ना रहें, बल्कि तसलीस खुद साबित है। तसलीस खुद साबित है, वो इसलिए है कि जो जब अगर हम पैदाइश में देखें तो वहाँ लिखा है कि कुछ नहीं था, पानी था, और पानी के ऊपर क्या था, खुदा की रूह जंबश करता था, खुदा का रूह जो है वो जंबश करता था। तो पाक रूह आ गई उधर, खुदा बाप आ गए, ठीक है, और बेटे का हमें यहाँ जिक्र मिलता है कि उसके वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई और वो ही मुजस्सम होकर आ गया। तो ये उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये कलाम में से हम बता सकते हैं, ठीक है। और फिर खुदावंद यीशु ने खुद अपने अजली होने के बारे में बहुत सारे दफ़ा बयानात दिए और बहुत सारी बातें फरमाई जिनका जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग दावा करते हैं कि कहाँ खुदा, कहाँ यीशु ने कहा कि भाई वो खुदा था, ठीक है, तो इसके बारे में सवाल करते रहते लोग। लेकिन वो खुदा जो था साबित करता था अपने आप को खुदा, ठीक है। तो जब यही बहस जब यहूदियों की यीशु के साथ हुई और यीशु ने जब उनसे बातचीत करते हुए यूहन्ना 8 बाब की में जब ये बातचीत हो रही थी, तो यीशु ने उससे कहा और उनको बताया कि भाई इससे पहले कि इब्राहिम जो है आए मेरे साथ ये हवाला देख लें, यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाब और उसकी 56-58 आयत हम पढ़ेंगे। तो वहाँ खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। क्या था वो? मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। 57वीं आयत कहती है, यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? सवाल करते हैं यीशु से, वो जैसे आज गैर कौमें आपसे और मुझसे सवाल करते हैं। तो यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। जो मैं हूं है ये सिर्फ खुदा ही के अल्फाज हैं, क्योंकि जब मूसा ने खुदा से पूछा तो उसने उसे जवाब, उसका नाम पूछा तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और ये मैं हूं जो लफ्ज है, ये यहूदी लोग इससे बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह को पाक करना चाहते हैं इससे पहले कि ये लफ्ज पढ़ा जाए या बोला जाए। और यीशु ने उसे कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अजीजो, यीशु अजली है, उसने दुनिया में आकर लोगों को बताया कि मैं अजली हूं। किनको बताया? जो लोग पहले ही खुदा के जानने वाले अपने आप को कहते थे, खुदा की सबसे प्यारी कौम जिसे माना जाता था, जिसे मूसा के जरिए से मिस्र में से खूबसूरती से बड़े अच्छे अच्छे मौजजात और माइटी हैंड के साथ खुदा उन्हें वहाँ से निकाल के लाते और कहा था कि ये मेरी कौम होगी, मेरे लोग कहलाएंगे, और जो वादे इब्राहिम याकूब और इजहाक से किए थे उनको पूरा करके उन लोगों को अपने लोग कहा था। जी हाँ जीजो, यही याकूब की औलाद, इसराइल की औलाद जो है, इसराइली लोग, उनसे खुदा ने यीशु बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे कि मैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम ने यीशु को कब देखा, क्योंकि वो तो यीशु की पैदाइश से काफ़ी अर्सा पहले ही सो गए थे, ठीक है ना। तो और कब देखा और कब खुश हुआ? तो अजीजों, मैं ईमान रखता हूँ और मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह पहले से जानते हैं, लेकिन उसे याद करने की ज़रूरत है। अगर आप पैदाइश की किताब को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं तो उसके 14 बाब में एक वाक्य लिखा गया है
क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब इब्राहिम और लूत ने अपने अपने रास्ते अलग किए, लूत अपना सब सामान असबाब लेकर वो तराई वाली ज़मीन यानी सदूम की तरफ चला गया, तो वहाँ बादशाहों में दो ग्रुप्स बन गए और उन्होंने जंग की। और जब जंग की और जो ग्रुप गालिब आया था उन्होंने सदूम के सब लोगों को, माल असबाब को, हर चीज़ को वो क्या करके कैद करके ले गए थे, लूट कर ले गए थे वहाँ से। जी हाँ, मैं पैदाइश की किताब और उसके 14 बाब का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ ये सारी बातें लिखी गई हैं। और फिर क्या हुआ कि जब इब्राहिम को पता चला कि उसका जो भाई है, भतीजा है, उसे ले गए हैं, तो उसने जाके उन बादशाहों के साथ जंग की और सारा माल असबाब जो वो लूट कर ले गए थे सदूम के बादशाह का भी उसे वापस ले आया, लूत को भी वापस ले आया, उसके कुनबा के लोगों को भी, उसके जो लोग थे, उसके अहले खाना थे, उनको और उसका सामान वापस लेकर।